अनुपमा में पाकी की प्रेगनेंसी उड़ा देगी अनुपमा के होश, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। आम भाई अधिक पर और पाकी पर बुरी तरह से भड़कते नजर आएगी बरका और उन्हें 6 महीने भी ये शादी नहीं टिकेगी ऐसा कह देती है और आशीर्वाद भी नहीं देती। साथ में वॉर्न करती है पाकी को कि इस लड़के को मैंने अपने बेटे की तरह पाला, अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार दिया है, इसकी रग रग से मैं वाकिफ हूँ। एक लड़के से मन भरते ही देखना कैसे वो तुम्हें धोखा देता है और ये गलती तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। वो काफ़ी उसे वॉर्न कर देती हैं और अनुपमा को भी यही डर है कि पता नहीं ये दोनों शादी निभा पाएंगे या नहीं। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर अनुज ही सपोर्ट करते दिख रहा है इन दोनों को, लेकिन जल्द ही अब इन दोनों की गलतियों की वजह से ही अब अनुज का सर भी झुकते नजर आएगा। अब अनुपमा बुरी तरह से डर जाती है, उन दोनों का आशीर्वाद तो दे देती है और यहाँ पर पाकी और अधिक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन देखने को मिलने वाला है कि अब एक तरफ यहाँ पर जैसे ही पाकी प्रेग्नेंट होगी, अधिक यहाँ पर वही तोशु वाली रास्ते पर चलते नजर आएगा, फिर से वही लड़कियां और वो पाकी से बोर हो जाएगा और देखने को मिलने वाला है किस तरह से वो उसी के खिलाफ यहाँ पर अपनी यानी कि अब दूसरी लड़कियों के पीछे पड़ जाएगा और अपनी अभी जो बेस्ट लाइफ है उसको ख़त्म नहीं करना चाहता है, ना ही वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाएगा। और यहाँ पर काफ़ी कम वक्त में जैसे कि बरखा ने कहा था कि जैसे हनीमून पीरियड खत्म होगा ये लड़का अपना असली औकात दिखाई देगा और वही हमें देखने को मिलने वाला है। पाकी एक तरफ प्रेगनेंसी की खबर सुनाएगी अनुपमा को तो दूसरी तरफ यहाँ पर बरखा के सामने और अनुज के सामने असली चेहरा आएगा अधिक का दूसरी लड़कियों के साथ मिलते हुए, जो कि उड़ा देगा पाकी के होश। तो देखने को मिलने वाला है वो तूफान जो अनुपमा अब कैसे इसको सहन करेगी और कैसे अब पाकी अपनी मॉम की और यहाँ पर किस तरह से इन सिचुएशन को हैंडल करती है देखना काफी दिलचस्प होगा। वेल आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।